डियर स्टूडेंट, अब हम इसको एवेल्युएट करते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेयर ए कैन बी एनी कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखें कि क्या होगा कि लैप्लेस ऑफ पी ए टी जीरो टू इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ दिस, और फर्स्टली हम कर्नल लिखेंगे इसका ई माइनस एस ऑफ टी इंटू ऑफ ए टी डी टी। वेल जी, सिंपल सी बात है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसमें आप माइनस पावर्स को ऐड कर देंगे और माइनस माइनस अगर टी कॉमन निकालते हैं तो इनसाइड एस माइनस ए होगा इंटू टी और डी टी। ओके जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, बहुत सिंपल है। और क्या होगा जी, ई माइनस एस ऑफ माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड बाय जो भी इसका ये कांस्टेंट होगा, तो माइनस ऑफ एस माइनस तो जीरो टू इंफिनिटी। तो प्रीवियसली हमने इसको डिस्कस किया था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इसका जो जो भी आपका सोफिस्टिकेटेड मेथड होता है उसमें आप लिमिटिंग केस वगैरह को लिखते हैं, लेकिन एनी हाउ यहाँ पर हम इसको ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। तो फर्दर मोर प्रीवियस हमने लेक्चर में स्टडी किया था कि यहाँ पर ये जो इसकी पावर में एस है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो मीन एस ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पर एस की जगह आपके पास क्या है जी, एस माइनस ए, तो एस माइनस ए को यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यही हम इसको देखते हैं। तो इसको फर्दर क्या लिखेंगे जी, माइनस वन ओवर एस माइनस ए, ये आप कॉमन ले लेंगे तो साइड जो भी चीज रह जाएगी वन ओवर ई ऑफ एस माइनस ए टी आप लिखते हैं जीरो टू इंफिनिटी। ठीक है जी, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, एस माइनस ए क्या आ जाएगा जी, वन ओवर ई रेस अप्लाइंग लिमिट कर दें तो वन ओवर ई रेस पावर इंफिनिटी ओवर वन ओवर ई माइनस। ओके जी, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हैं कि वन ओवर एस माइनस ए इसका आंसर होगा। ठीक है जी, तो वंस अगेन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि एस माइनस ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, मींस टू से कि एस ग्रेटर देन ए। फिर ये जो सा है ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि प्रीवियसली हमने देखा कि यहाँ पर अगर एस माइनस ए लेस देन जीरो होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव हो तो माइनस, ये वाले माइनस साइन की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देखें ये है, और इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या मीनिंग हो सकती है इसके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कर रहा है, इनफैक्ट वन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही, वन की शिफ्टिंग हो रही। देखिए, वन जो सा था उसकी लैपलेस हमने बोली, वन की लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या थी, वन ओवर एस, तो ई रेज टू पावर ए टी की लैपलेस क्या करी है आपने, मीन्स के वन की वन ओवर एस माइनस जीरो, तो यहाँ पर क्या है ई रेज टू पावर ए टी, तो वो क्या एस माइनस ए, मीन्स के अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो इधर ट्रांसफॉर्मेशन में नेगेटिव आने का। ग्राफिकली इसको देखते हैं तो देखें जी, ये एक स्केलिंग हो रही है, जस्ट लाइक ट्रांसलेशन सॉरी हो रही है। तो ट्रांसलेशन कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल देखें, आपके पास अगर एक फंक्शन है वाई इजिकल टू एक्स मॉड, ठीक है जी, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और जब आप कहते हैं वन ओवर एक्स माइनस टू, तो देखें जी इसका ग्राफ क्या हो जाता है, टू यूनिट्स राइट पे स्के ट्रांसलेट हो जाता है। तो यही ग्राफ को आप राइट साइड पे ट्रांसलेट करते थे टू यूनिट्स, क्योंकि ये जीरो यूनिट पे इसकी लोकेशन है, तो अब ये टू की लोकेशन पर यही ग्राफ रिप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स के अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि इसको अगर आप मोर ग्राफिकली देखें, ठीक है, कि वन की ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वन ओवर एस में, मीन्स के वन का अगर ग्राफ आप ड्रॉ करें तो क्या होगा, वाई एक्सिस, मीन्स के ये वाई इज इक्वल टू वन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, वन ओवर एस। ठीक है, वन ओवर एस का ग्राफ कुछ इस तरह, ठीक है, ठीक है, और देखें जी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप देखें तो ट्रांसलेशन होगी। ठीक है जी, और ई ए टी, ई ए टी का ग्राफ अगर आप कहते हैं लाइक हॉकी है, ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, लाइक
लेकिन यही यूनिट अब एस माइनस ए, यानी कि यहाँ पर आपने देखा माइनस टू है तो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। अगर आप कहते हैं ए पॉजिटिव है तो फिर इसी चीज का ग्राफ आप देख सकते हैं कि राइट पे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। यहाँ पर ये टू यूनिट स्लिप हो जाएगा आगे, और यहाँ पर अगर एस माइनस ए है, ठीक है, वाई ओवर अगर आप कहते हैं एस माइनस ए है तो वाई को जीरो पुट करें तो आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई सॉरी एक्स को जीरो पुट करें तो वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वन ओवर ए। तो मीन्स के ये वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर माइनस वन ओवर ए पर वो मीट करेगा। तो ये एक जोन सा है, वेरी सिंपल सी इसकी विजुअलाइजेशन है, ऑल दो ये अगर एस कम्प्लेक्स वैल्यूड है तो इसका विजुअलाइज करना इसको पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।